हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का फेवरेट स्नैक, जो कि बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और इसमें हम यूज़ करेंगे बहुत सारे वेजिटेबल्स। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्ग्रीडियंट्स से। तो फ्रेंड्स, ये हमने लिया है मैदा, 2.5 कप मैदा है, और साथ में हमने पानी लिया है। पानी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हमने लिया है में वेजिटेबल्स में हमने लिया है पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, इन्हें हमने फाइन चॉप कर लिया है, टमाटर, प्याज, और ये हमने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। स्वीट कॉर्न्स बिल्कुल ऑप्शनल है, और बाकी जो सब्जियां हैं वो कम या ज़्यादा आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। लिया है अदरक का एक टुकड़ा, इसे हमने फाइन चॉप कर लिया है, लहसुन 6 से 7 कर लिया, इसे भी फाइन चॉप कर लिया है, ऑरेगैनो लिया है, नमक ऑरेगैनो हमने 1 टीस्पून लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्ची का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, आप चाहें तो काली मिर्ची का पाउडर भी ले सकते हैं, और ये हमने मोज़रेला चीज़ लिया है, 100 ग्राम चीज़ है ये, और फ्राई करने के लिए लिया है ऑयल। इन सब की मेजरमेंट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विथ रेखा। पहले तो हम डो रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इस आटे को इकट्ठा कर लेंगे, और साथ में इसे पंच करके इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आटा रेडी है, इसे हम 15 मिनट ढककर रख देंगे, उससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वेजिटेबल की फिलिंग भी रेडी कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल, हम डालेंगे 2 चम्मच के आसपास, हमने ऑयल डाला है ये, 2 टीस्पून छोटे चम्मच जो होते हैं वो लिए हैं हमने ये तेल के, इसे गर्म होने देते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे गार्लिक, लहसुन, साथ में हम इसमें जिंजर भी डाल देंगे, अदरक, कटी हुई प्याज, अनियन, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ओनली हम इसे 1 मिनट से भी कम समय के लिए भूनेंगे। तो प्याज को हमने 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया है। इसमें डाल देंगे टमाटर, गैस की फ्लेम हमारी हाई पे है, टमाटर को कुछ सेकंड्स तक भूनना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें वेजिटेबल्स को मशी नहीं करना है इसमें, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से गलाना नहीं है, हमें क्रंची फ्लेवर, क्रंची टेस्ट चाहिए वेजिटेबल्स का। तो देखिए, कुछ टाइम तक ही मैंने प्याज को कुछ सेकंड्स तक ही भूना है। अब हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल्स। सब्जियाँ आप कम या ज़्यादा अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। ये मैंने कैप्सिकम और गाजर डाल दी है, स्वीट कॉर्न्स डाल देंगे, और पत्ता गोभी मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगी। पहले इसे हम मिक्स कर लेते हैं इन वेजिटेबल्स को। तो अब हम डाल देंगे इसमें कैप्सिकम। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, आप देख सकते हैं, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां बहुत जल्दी पकना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए नहीं डाला है, ताकि सब्जियों का क्रंचीनेस इसमें से ख़त्म ना हो, इसलिए नमक मैं थोड़ा लास्ट में ही डालूंगी। तो गैस की फ्लेम हमारी हाई पर है, इसमें डाल देंगे हम ऑरेगैनो, वाइट पेपर पाउडर, और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। हमने वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया है, आप देख सकते हैं। पत्ता गोभी डालने के बाद मैं इसे गैस की फ्लेम पर, मतलब हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक पका रही हूँ। ये सारा काम हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। तो फ्रेंड्स, टोटल टाइम हमारा 3 मिनट लगा है इन सब्जियों को पकाने के लिए, तो गैस बंद कर देंगे।
और इसे हम निकाल देंगे। इसे हमें गरम गरम ही निकालना है, ठंडा नहीं करना है। सब्जियों को पकने में लगा है 3 मिनट का टाइम, तो बस ये वेजिटेबल्स हमारी पक चुकी है, गैस को बंद कर देंगे। वेजिटेबल्स हमने निकाल दी है बाउल में, इसमें हम डालेंगे चीज़। और ये वेजिटेबल्स हमारी अभी गर्म ही है, इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है क्योंकि इसमें चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं होगा अदरवाइज़। तो इसे हम कर देंगे कद्दूकस करके डालेंगे इसमें। ये जो चीज़ है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। और फिर चीज़ डालने के बाद हम इसे ठंडा होने देंगे मिक्सचर को, क्योंकि हमने ठंडा इसलिए नहीं किया पहले ताकि ये जो चीज़ है ये ठंडे मिक्सचर में, ठंडे वेजिटेबल्स में पिघलना नहीं था। इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर देना है चीज़ को। तो ये मिक्सचर को होने देंगे हम अब ठंडा। जो आटा हमने 15 मिनट से रेस्ट पे रखा हुआ है उसे एक बार पंच कर लेंगे। आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है, ये जो डो है, तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी सॉस, उससे इसमें अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ी सी शेज़वान चटनी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शेज़वान चटनी की रेसिपी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इस फिलिंग को हम ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से। तो ये हमने डो को डाल दिया है एक प्लेन सरफेस पर, हमने ले लिया साथ में मैदा लिया है क्योंकि हमें इसकी शीट्स बनानी है। साथ में थोड़ा सा मैदा हमने 1 चम्मच कटोरी में ले लिया है। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी क्योंकि हमें इसका ग्लू बनाना है। मतलब हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, ये जो डो है इसे हमें बिल्कुल इक्वल बॉल्स में कट करना है, इक्वल बॉल्स बनानी है हमें इसकी। तो हम इसे इस तरह से काट लेंगे। तो इस तरह के हम सारी बॉल्स को रेडी कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने आटे के पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं, इसे हम ढक लेंगे और जो हमें यूज़ करना है वो हम निकाल देंगे, क्योंकि ढकना इसलिए है नहीं तो ये सूख जाएंगे। और एक पेड़े को हम इस तरह से रेडी करेंगे, इसकी रोटी बनानी है हमें। सबसे पहले हम सरफेस पे डाल देंगे मैदा ताकि चिपके नहीं। और अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। इस तरह से छोटी छोटी रोटियां हमने रेडी कर लेनी है सारे आटे की। हमने सभी रोटियों को बनाकर रेडी कर लिया है, अब हम इस पे लगाएंगे ऑयल। अच्छी तरह पूरे रोटी पर ऑयल लगना चाहिए, अदरवाइज ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। और अब हम इस पे डाल देंगे मैदा। और इस तरह से हमने 5 लेयर्स बनानी है, एक के ऊपर एक रोटी रखकर इस तरह से। फिर से हम लगाएंगे ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये 5 रोटियों की हमने लेयर बनाई है क्योंकि सिंगल जो रोटी होती है उसे पतला बेलना थोड़ा टफ होता है,
इसलिए हमने ये लेयर बनाई है। स्प्रिंग रोल शीट्स जो होती है वो इसी तरह से बनती है। अब हम इसे बिल्कुल जितना पतला हो सकेगा उतना पतला बेलेंगे और ये अब ये बहुत बड़ी रोटी बनेगी। बस बेल कर हमें इसे बहुत पतली रोटी बनाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी बड़ी रोटी बनकर रेडी है। ये हमने काफ़ी बड़ी रोटी बनाई है। ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि तवे पर आ जाए, उससे ज़्यादा बड़ी भी ना बनाएं। फ्रेंड्स तवे को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है और अब हम ये डालेंगे रोटी इस पर। काफ़ी बड़ी रोटी बनी है, थोड़ी तवे से बाहर ही आ रही है। ये सेट आ चुकी है इस तरह से, लेकिन रोटी आप उसी साइज़ की बनाएं जितना आपका तवा हो। इसे हम इस तरह से पका लेंगे क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है इसलिए, और ज़्यादा नहीं, हमें 10 से 15 सेकंड एक साइड पकाना है और 10 से 15 सेकंड दूसरी साइड। तो ये हम दूसरी साइड फ्लिप कर देंगे इसे। हमें घुमाकर इस तरह से इसलिए पकानी पड़ रही है क्योंकि रोटी हमारी बड़ी है थोड़ी। बस गैस बंद कर देंगे, 10 सेकंड हो चुके हैं इस साइड भी, और इसे निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स रोटी हमारी सिक चुकी है तो हम इसकी लेयर्स निकाल देंगे। ये बहुत ही इजीली निकल जाती है, बस आपको बहुत ध्यान से निकालनी है। ये देखिए एक सबसे ऊपर की लेयर निकल चुकी है और ये देखिए सेकंड लेयर कितनी पतली है, आपको मैं दिखा दूँ, मेरा पूरा हाथ जो है आपको दिख रहा होगा इसमें से। इस तरह से लेयर्स होनी चाहिए। हमने 5 रोटियों की ये रोटी बनाई है तो 5 लेयर्स आएगी हमारी। तो ये देखिए ये एक लेयर है, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स इसी तरह बनेगी। जो बाकी आटा है उसकी भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो फ्रेंड्स हमने काफ़ी सारी स्प्रिंग रोल शीट्स बनाई है, इसे हम साइड कर देंगे। कुछ हमने कर दी है इस तरह से कट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे फिल करना। एक शीट को हम इस तरह से बिछा देंगे और एक बीच में। हमें इसे बिल्कुल सेंटर में लगाना है और इसमें डाल देंगे हम फिलिंग जो कि हमने बनाकर रखी हुई है। ये हमने लिया है मैदा और पानी का मिक्सचर, ये ग्लू का काम करेगा, इसमें से स्टफिंग बाहर नहीं निकल पाएगी। इसे हम साइडों में लगा देंगे इस तरह से, और एक साइड से हम इसे इस तरह से बंद करेंगे और ग्लू हम इस साइड भी लगा देंगे। ये इस तरह से बंद करेंगे। और अब ये इस तरह से यहाँ पर भी हम ये मैदा और पानी का जो मिक्सचर है ये लगा देंगे और इसे अच्छी तरह बंद कर देंगे इस तरह से। वाह ये देखिए, और इसे हम फ्राई करेंगे इसके बाद। पहले हम सभी रेडी कर लेते हैं इसी तरह से। इसके सेंटर में डाल देंगे फिलिंग। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। जी हमारी सारी चीज़ वेजिटेबल पैटीज बिल्कुल रेडी है, इसे हम फ्राई करेंगे। तेल को कर लिया है हमने गरम, गैस की फ्लेम हम मीडियम पे कर देंगे। अब कुछ पैटीज हमने बनाई है बड़ी और कुछ छोटी,
तो एक डालकर चेक कर लेंगे कि तेल हमारा प्रॉपर गर्म है या नहीं। जी हाँ, तेल हमारा बिल्कुल गर्म है। इसमें बाकी भी हम डाल देंगे। इसे हमें होने देना है लाइट सा गोल्डन ब्राउन और उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। एक बार मैं चार ही डालूंगी इसमें। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे दूसरी साइड। तो फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसे हम निकाल देंगे किचन टॉवल पर। और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी मिक्स वेजिटेबल चीज़ पैटीज रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप देख सकते हैं इसमें से आवाज़ आ रही है। इसे हमने किया है रेड चिली सॉस के साथ सर्व। ये सॉस मैंने घर पर बनाई है, रेड चिली सॉस। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, एक मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ किस तरह से बनी है। फ्रेंड्स, आपको इसमें से आवाज़ आ रही होगी कितनी क्रिस्पी है ये। ये देखिए कितनी अच्छी तरह फिल है। तो हम इसे खाएंगे चटनी के साथ। फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाकर ट्राई कीजिए। यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ की जानकारी आप तक आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।